हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटीवी किचन। आज हम बनाएंगे टेस्टी दाल खिचड़ी की रेसिपी विद अ लिटिल ट्विस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कुकर ले लें, इसमें एक बड़ा चम्मच देसी घी डाल रही हूँ मैं। घी को अच्छे से गर्म कर लें। एक चुटकी हींग डाल दें, जीरा डाल दें, प्याज, हरी मिर्च और अदरक डाल दें। प्याज को ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, ये देखिए। मैं थोड़ी सी डेगी मिर्च का यूज कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। हल्दी पाउडर डाल देंगे। ये एक गिलास दाल चावल है। यहाँ पर मैंने चावल कनकी यूज किया है और मूंग छिलका दाल है ये। ये भी कुकर में डाल देंगे। तीन बड़े गिलास पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। अगर आप खिचड़ी थोड़ी पतली चाहते हैं तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दें। अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें नमक ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब कुकर बंद करके 3 विसल्स लगा लेंगे। 3 विसल्स आ चुकी हैं, खिचड़ी हमारी रेडी है, ये देखिए। अब एक पैन में मैंने देसी घी लिया है, अच्छे से गरम कर लें घी को। एक चुटकी हींग डाल दें, जीरा डाल दें, जीरे को अच्छे से गरम कर लेंगे। ये हमारा छौंक रेडी है। अब हम खिचड़ी सर्व करते हैं। मैंने खिचड़ी को दही, अचार, चटनी और पापड़ के साथ सर्व किया है। अब ये जो हमने छौंक बनाया था ये खिचड़ी पे डाल देंगे। इट्स रेडी। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमटीवी किचन।